हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, लास्ट चैप्टर है ये, आधुनिकीकरण के रास्ते, ठीक है, जिसमें हम चीन और जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, चीन और जापान की अगर बात करें तो इनके भौतिक भूगोल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। चीन क्या है, एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र जो हैं शामिल हैं। अगर हम बात करें तो इनके मुख्य क्षेत्र में जो है तीन प्रमुख नदियां हैं चीन में। कौन कौन सी है? एक है पीली नदी, पीली नदी जिसे हुआंग हे, हुआंग हे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है हुआंग हे नदी को और क्या कहते हैं, तो पीली नदी कहा जाता है। दूसरी है यांगसी नदी, यांगसी नदी, यांगसी नदी जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और एक है पर्ल नदी। तो तीनों ही नदी जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? चीन में पाई जाती हैं, ठीक है। और चीन के देश का जो हिस्सा है, बहुत सारा हिस्सा कैसा है? पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद यह है कि चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह जो है वो है हान, ठीक है। जातीय समूह कौन सा है? यहाँ पे हान है, जिसकी प्रमुख भाषा जो है चीनी है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? पुतोंग हुआ, पुतोंग हुआ प्रमुख भाषा ये है, लेकिन और भी बहुत सारी वहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। इन बोलियों मतलब बहुत सारी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी जो है वहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक। चीन के विपरीत अगर हम बात करें जापान की, तो चीन हमने पढ़ा एक विशालकाय पूरा द्वीप है, और जापान सिर्फ एक अलग हुई द्वीप श्रृंखला है, ठीक है। विपरीत अगर चीन के अपोजिट में अगर बात करें, जापान एक क्या है? सिर्फ द्वीप श्रृंखला है, जिसमें चार बड़े द्वीप समूह हैं, होन्सू द्वीप, क्यूसू द्वीप, सिकोकू और होकाइदो द्वीप, ठीक है। अधिकतर जनसंख्या जो है यहाँ पर, जो जापान में जो जनसंख्या है वो क्या है? जापानी है, लेकिन कुछ जो है आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग भी जो है जापान में हैं, मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों पाए जाते हैं कोरिया के? क्योंकि कोरिया जो था जापान का उपनिवेश था, तो उस समय जो था इन्हें जापान लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें दिया है कि 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर सोगुनों का शासन कायम हुआ, जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। देखिए, जापान में जो है क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी के आते आते क्या हो गया, जो असली सत्ता थी वो चली गई सोगुनों के हाथ में, ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर जो है शासन करते थे, ठीक है। 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग जो थे वो शोगुन पद पर कायम थे, ठीक। देश जो था उस वक्त 250 भागों में विभाजित था, और जिनका शासन जो होता था वो दैम्यो चलाते थे। देश बड़ा था, 250 भागों में वो विभाजित था, और उनको चलाने वाले थे दैम्यो, और जो सोगुन होते थे वो इन दैम्यो पर नियंत्रण करते थे, ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, इन दैम्यो पर नियंत्रण होता था शोगुनों का, ठीक है। शोगुनों का शासन कायम था, यही बताया गया है, ओके। 1603 से लेकर 1867 के मध्य तोकुगावा वंश के लोग जो थे शोगुन पद पर कायम थे, हो गया। उसके बाद देखिए, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ, और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का जो असंतोष था वो इसका कारण बना, मतलब मेजियों के पुनर्स्थापन का कारण कौन बना? विभिन्न प्रकार का असंतोष, ठीक है। आगे है, सम्राट मेजी को एदो लाया गया। एदो थी वहां पर राजधानी, जापान की राजधानी, जिसे अब टोक्यो कहा जाता है। आधुनिक नाम जो है इसका क्या है? एदो। तथा एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम क्या रखा गया? टोक्यो रखा गया। तो टोक्यो का पुराना नाम पूछा जाए तो एदो था, ठीक। जापान में जो है 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ, मतलब नए नए जो है विद्यालय खोले गए, उनमें जो पढ़ाया जाने लगा। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया, और किताबों के माध्यम से जो है माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक जो है बनने का पाठ जो है पढ़ाया जाने लगा, ठीक है।
1910 तक जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित ही नहीं रहा, मतलब धीरे धीरे जो था सबने स्कूल जाना शुरू कर दिया और कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जो स्कूल ना जाता था। ठीक, आगे है डाइट। जापानी संसद का नाम कई बार पूछा जाता है तो वो है डाइट, और ये बेस्ड था जर्मन विचारधारा पर। ठीक है, उसके बाद है फुफुजावा युकिची। ये मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक माने जाते हैं, जिनका कहना था कि जापान को जो है अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। इसका मतलब क्या था, ये चाहते थे कि वो एशिया सभ्यता से दूर हो जाए और पश्चिमी सभ्यता को अपना लो, तो इसलिए इसने इसे कहा कि अपनों में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसने ऐसा कहा कि जापान को अपनों में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, तो ये थे फुकुजावा युकिची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण हुआ तो देखिए क्या क्या हुआ, कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया, रेल लाइनों का विकास हुआ, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात हुआ, मजदूरों को प्रशिक्षण के लिए जो है बाहर से लोगों को बुलाया जाने लगा, और बैंकिंग संस्थाओं का भी जो है प्रारंभ हो गया। मतलब इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया, नयापन जो था उसमें लाया गया। ठीक है, आगे देखिए फुकोहु क्योहो, इसका मतलब क्या होता है, समृद्ध देश और मजबूत सेना। फुकोकु क्योहे इसका अर्थ पूछ सकते हैं। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम जो थे गिराए गए थे। तो यह हमने पढ़ा था कि अमेरिका 9th-10th में हमने पढ़ा था कि अमेरिका जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए वो इस युद्ध से दूर रहना चाहता था। लेकिन जब उनके सैनिकों पर या जो भी दूतावास वगैरह थे उन पर जब हमला हुआ, ठीक है, फिर जो है अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था और उसने जापानी शहर के हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम जो थे गिराए थे। ठीक है, अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। ठीक, फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद, जापान हार गया था तो अपनी हार के बावजूद जो है जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो है शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है चीन की। ये तो था हमने पढ़ लिया जापान के बारे में, अब देखते हैं चीन का। चीन का आधुनिक इतिहास, संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत और समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। चीन में पहला अफीम युद्ध हुआ 1839-42 में। इसने क्या किया, सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को क्या दी, मजबूती दी। ठीक है, 1911 में मांचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन यात्सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की समाप्ति हुई, सॉरी स्थापना हुई। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, सन यात्सेन के नेतृत्व में। सन यात्सेन जो थे इनके तीन सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। चीन की जो साम्यवादी पार्टी थी इसकी स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए साम्यवादी पार्टी की स्थापना चीन में 1921 में हुई थी और इसके जो प्रमुख नेता बनकर उभरे उस वक्त माओ त्से तुंग जो थे वो प्रमुख नेता बनकर उभरे थे। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जो थी ये 1949 में स्थापित हुई थी। चीन में 1965-78 का काल जो है ये माना जाता है समाजवादी व्यक्ति की रचना का था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ जो था अभियान छेड़ा था। ठीक है, तो ये था लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद जो है हम आगे क्लास 11 की राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।